अब इसकी कल्लो दी जा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, पर मैं बढ़िया नहीं हूँ। मुझे बुखार हो गया सुबह 5 बजे से, ना ठंड का बुखार चढ़ रहा है। और आज है मकर संक्रांति, तो मैंने बहुत ना बस मन में ये कहा कि पूजा तो करनी है, क्योंकि व्रत भी है मंडे का। और प्राची जी अगर घर आई है इससे मिलने, किससे, छोटे से मिलने। और ये ऐसे छोटे से मिलने आई, मैं तो गई थी मंदिर, चली गई थी मैं, और इनने पोटी कर दी। मैंने कहा ले पहले पोटी धुलवाएगा, सारी याद खत्म, याद वो करवाएगा कि मुझे याद करती है, ले मेरी पोटी दो। और बस मैं अभी बैठी हूँ, मेरी अंदर से ना बॉडी से बुखार जा ही नहीं रहा। तो मैंने ना उनको फोन किया जो मेरा वास्तु ठीक करने वाले हैं ना, क्योंकि मैं उन्हें बोल, उन्होंने बताया था कि जब ऐसी चीज होती है ना तो हम पहले ही बोल देते कि तबीयत खराब होने के चांस ज्यादा रहते, तो घबराए नहीं। तो मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा क्या पता, जब से ही मैं उनसे पूछ के आई हूँ जब से कंटिन्यूसली ना मेरे को बुखार ही चढ़े जा रहा है रुक रुक के, और कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, मैं वहाँ जा ही नहीं पा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अभी होरोस्कोप देख के ना रेमेडी देते हैं, पर मेरी होरोस्कोप है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, मुझे टाइमिंग का पता ही नहीं है, मेरी शक्ल देख रही है, सही कह रही हूँ, मुझे टाइमिंग का। ये मेरे माँ बाप जो बताते हैं ना, पहले तो कई साल तक कहते रहे नहीं पता, और एकदम से फिर कहने लगे 4:15 ही हुई है तू पैदा। तो मैंने कहा अगर वो गड़बड़ हो गई, मन में डाउट रहा, तो वो भी ठीक नहीं है। और मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैंने ना डोलो, वो जो पैरासीटामोल आता है ना, वो भी ली थी सुबह 11 बजे, सुबह 5 बजे भी ली, खाली पेट ले ली थी, फिर चाय पी के ली, और अब ले ली मैंने डॉक्टर की दवाई, पर देखो बुखार उतरता है या नहीं। मैंने अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके बुलाया कि क्योंकि इसके तो एग्ज़ाम है, ये रुक नहीं पाएगी, और मेरे बस की नहीं कि मैं बच्चे संभाल पाऊँ। तो मम्मी अभी देखो आ रही है या नहीं, बात तो हो गई मेरे भाई से, मेरी तबीयत ठीक हो गई तभी कुछ कर पाते, और पेट में भी कंटिन्यूसली मेरे दर्द बना हुआ है। अब इसकी कल्लो दीदी जा रही है, प्राची दीदी घर, क्यों मार रहा बाबू मुझे तू, और मेरे तो उठा जा नहीं रहा, और ये बच्चा भी पीट रहा है। ओ प्राची जी बाय करती जाओ, प्राची जी से बाय। ये देखो बिल्कुल इन्होंने चोला चढ़ा लिया है अपना, जा रहा है। तो मेरे तो बस की नहीं उठना, बुखार अभी भी नहीं उतरा, 5:30 हो गए, और अब मैं जाऊंगी पूजा करने। आजा। यार मेरा व्रत जानते हो सब बाबू। हेलो फ्रेंड्स, तो अपना रात के 10 बज गए हैं, और मेरा बुखार अब जाके उतरा है। सुबह से मेरे को बुखार ही हो रहा था बहुत तेज, और बुखार उतर नहीं रहा था, मैंने दवाई ली उससे भी नहीं उतर रहा था। तो बाल भी मैंने अभी शाम के बाद ना सही से बनाए नहीं, और बड़ी मुश्किल से मैं मंदिर गई शाम को भी, और उसके बाद मैंने व्रत खोला, पर भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि खा लिया मैंने, खाऊंगी ना तो खाते तो चली जाती, वैसे कोई भूख का एहसास नहीं है कि मुझे भूख लग रही हो। और अब ना आज सुबह 5 बजे से चढ़ रहा था, अब रात के 10 बजे अब जाके उतरा है। तो मैंने सोचा घर की थोड़ी डस्टिंग कर लूँ, यहाँ इतने कपड़े जमा कर रखे थे ये बच्चों ने, तो मैंने अभी थोड़े से घर की सफाई करी है रात को, मतलब सामान को अपने सही तरीके से रखा है, वरना झाड़ू तो हम शाम को मारते नहीं है। और आज बना ली थी व्रत में पत्ता गोभी की सब्जी जो मेरी मम्मी ने बनाई, मेरे को मम्मी को बुलाना पड़ गया क्योंकि प्राची तो चली गई अपने घर, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी, अभी भी डाउन ही है, अभी थोड़ा वीक है, मेरे को बोल रहा कम जा रहा, लेकिन घर की हालत बच्चों ने इतनी ख़राब कर रखी है, इसको देख के भी मैं और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अब इसको ठीक करूँगी रात के 10 बजे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है फिर झाड़ू पोछा करने में भी। मेरे ना दोनों बच्चों को भी जुकाम सा हो रहा है, मैं उनसे दूर ही, मैंने कहा कहीं ये होता है ना बुखार ना लगे, ये डर होता है। तो मेरे छोटे बाबू से तो मैं दूर ही हूँ आज, सबसे पहले मैं कर देती हूँ उसकी सफाई, तब जाके कुछ काम करूँगी अभी। तो सबसे पहले मैं ये काम ही कर दूँ थोड़ा डस्टिंग का, वरना फिर सुबह बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, और वो ना होता नहीं मेरे से सा। और मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि तबीयत का भी अब कुछ पता नहीं चल रहा है मेरी, कि मतलब कल मैंने संक्रांत एक दिन पहले अच्छा हुआ मना ली, क्योंकि मैंने सोचा कि तबीयत तो मेरी तब भी ख़राब सी चल रही थी,
कहीं ठीक होगी खराब है, इसलिए ना जैसे तबीयत ठीक होती है तो मैं बाकी ये काम निपटा लेती हूँ। तो बस हमारी हो गई इस कमरे की सफाई, और मेरे हाथ उनसे लग रहा हूँ कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक सी नहीं है पूरी। तो ये वाला वीडियो मेरा यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज सारा दिन ही मुझे बुखार रहा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। लेटे रहने के अलावा मैं सोती रही सारा दिन, और ये कमरा मैंने साफ़ कर दिया ताकि सुबह का झाड़ू पोछा थोड़ा आसान हो जाए मेरे लिए ही। और ईशा के कपड़े स्कूल के यहीं रखे जाने के, आज उसकी छुट्टी करानी पड़ गई क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उसे स्कूल भेजने की। रागवी को भी मैंने बहुत मुश्किल से आज स्कूल भेजा था, उसके बाद तो फिर मैं ढह गई पूरी, मतलब मैं उठ ही नहीं पाई। आज सारा दिन ना मेरा सोते हुए ही गुजरा है। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है, मैं मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। और मकर संक्रांत का वीडियो मैंने डाल ही दिया है, तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।